गौरक्षा दल द्वारा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए मांग तेज कर दी है। जल शक्ति विभाग विश्राम गृह में गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष डीडी ठाकुर ने कहा कि चार पीठाधीश्वरों द्वारा इस मामले को लेकर सरकार के समक्ष भी जल्द प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम बैठक का आयोजन करते हुए गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई। अभी गौ माता को राष्ट्रपद पर सुशोभित करवाने के लिए और भारत गौ हत्या मुक्त भारत बनाने के लिए चारों शंकराचार्य महाराज द्वारा जो ये आंदोलन जो है ये चलाया जा रहा है, जिसमें कि पूरे भारत में गौ हत्या मुक्त करवाने का जो बीड़ा है ये संतों महंतों द्वारा जो है उठाया गया है। अभी 12 फरवरी को वाराणसी के अंदर चारों शंकराचार्य महाराज के सानिध्या में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री एवं अन्य नेतागण जो है उपस्थित रहेंगे। उनको जो है गौ हत्या मुक्त भारत के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष बैठक का जो वहाँ आयोजन किया जा रहा है, अगर उसमें सरकार द्वारा गौ माता को राष्ट्रपद पर सुशोभित और गौ हत्या बंद करने का जो है ऐलान किया जाता है, तो अब तो पूरा साधु संत समाज सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो चारों शंकराचार्य महाराज द्वारा गौ शासन पूरे भारत में जो है उसका निर्माण किया जाएगा, वो बनाई जाएगी, जिससे कि मुझे हिमाचल राज्य से गौदूत के रूप में चारों शंकर महाराज द्वारा जो है वो चुना गया है। पूरे भारत में सांसद जो है वो अपनी तैयारी करेंगे और आने वाले टाइम में गौ माता के नाम पर इलेक्शन भी लड़ेंगे, ताकि गौ माता को उसका असली हक जो है इंसाफ जो है वो मिल सके।